अस्सलामुअलैकुम, ए न्यूज के साथ मैं हूँ अलिश्पा परवेज। मुलाहिजा कीजिए सबसे पहले हेडलाइंस। पनामा का हंगामा कौमी असेंबली में पहुंच गया। खुर्शीद शाह का वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा। इमरान खान को तकरीर करने की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन का स्पीकर डाइस के सामने शदीद एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। इजलास गैर मुयना मुद्दत तक मुलतवी। JIT वजीर आजम से कैसे तहकीकात कर सकती है। पीपल्स पार्टी का जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। सैयद खुर्शीद शाह और एतजाज एहसन कहते हैं कि JIT करप्शन से मुतालिक शफाफ तहकीकात नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कतरी खत मुस्तरद कर दिया। PTI के इल्जामात पर तहकीकात के लिए JIT बन रही है। तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान का पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अदालती फैसले के बाद वजीर आजम के पास हुकूमत में रहने का इखलाकी जवाब नहीं रहा। आइंदा जुमे को इस्लामाबाद में जलसा करने का ऐलान। सेनेट के इजलास में अपोजिशन जमातों के अराकीन की बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर शिरकत। वजीर आजम से इस्तीफा देने का मुतालबा। और FE Dream कोटा के साबिक वफाकी वजीर मखदूम शहाबुद्दीन और साबिक वजीर आजम यूसफ रजा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी समेत 11 मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद कर दी गयी।